हेलो एवरीवन, हाय बच्चों, आप सब कैसे हो? हाँ जी बच्चों, मैंने आप बच्चों को अपनी पिछली तीन वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको वसंत का पहला पार्ट पोएम थी वह चिड़िया जो, पार्ट वन वसंत वह चिड़िया जो रीड करवाई थी और उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो दूसरी जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने ग्रामर का चैप्टर वन भाषा बोली लिपि और व्याकरण इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जो मेरी तीसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने वसंत के पार्ट वन के वह चिड़िया जो के शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर्स उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन अभी हमने जैसे हमें मना किया गया है कि नई वीडियो नहीं बनानी है, प्रीवियस ही डिस्कस करना है कि अगर बच्चे की कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई भी कंसर्न है तो उसको क्लियर कीजिए पहले। तो बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके अपना कंसर्न, अपनी क्वेरीज, अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। और आप बच्चों ने, सब बच्चों ने एक नया रजिस्टर लगाना है फेयर नोटबुक के तौर पर, उसके अंदर आपने इस लेसन के पार्ट वन वसंत की वह चिड़िया जो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक भेजी है उसके अंदर से डिक्टेशन वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द, वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर, अति लघु भी दिए हुए हैं और लघु प्रश्न उत्तर भी है। आपने यही चारों चीजें करनी है और उसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है, आपका चैप्टर वन हो जाएगा। तो सब बच्चों ने, अगर आपके पास अवेलेबल है न्यू रजिस्टर तो आप बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर उसको प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे बताया गया है कि प्रीवियस के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले मैं पोएम डिस्कस करूंगी, पार्ट वन वसंत वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो, तो इसके अंदर मैं पहले इस पोएम को रीड करती हूं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने सोच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। सेकंड इसका स्टैंजा आ जाएगा, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से प्यार है। तीसरा इसका है स्टेंजा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बिल्ली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चे ये जो पोएम है ये केदारनाथ जी अग्रवाल की है। मैंने उस दिन भी आपको इसका कवि बताया था और मैंने क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी पूछे थे कि पोएम का नाम क्या है और पोइट का नाम क्या है, कवि का नाम बताइए और इसके अंदर चिड़िया क्या क्या, उनके अंदर चिड़िया के अंदर क्या क्या गुण बताए गए हैं। इस टाइप से मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड डाल के आपसे पूछे थे। लेकिन जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक भेजी है वो मेनली बुक के अंदर का प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ और डिक्टेशन वर्ड्स हैं, तो आप उसके द्वारा ही आपने अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है। ये वाले क्वेश्चन जो है ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थे, आपको थोड़ा सा कंटेंट, आपने मुझे कितना सुना थोड़ा सा कंटेंट के बारे में भी पता चले, आपने कितना सुना और किस टाइप के आंसर दे रहे हो। तो इसमें मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी का मैंने आपको बताया था कि ज्वार या बाजरे के जो दाने हैं वो रस से भरे हुए हैं। तो आपने इसमें हमने क्या लिखना है कि वो खुश नसीब है, वो चिड़िया वो बहुत खुश है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। इसके अंदर पहला गुण मैंने बताया था कि वह संतोष से भरी हुई है, वह सब्र वाली है, उसको अन्न से बहुत प्यार है, वो छोटे छोटे जुंडी के दाने खाकर शौक से खाती है उस दानों को, उसके रस को चूसती है क्योंकि उसको अन्न से बहुत प्यार है। दूसरा स्टैंजे में मैंने बताया था कि बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। इसके अंदर मुझे विजन से प्यार है, विजन का मतलब एकांत, तो वो एकांत में जाकर बहुत बूढ़ा बुजुर्ग वन है, जंगल है, जहां जाकर वो अपना रस उडेल उडेल कर गाती है। छोटी सी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं और वो चिड़िया नीले पंखों वाली है।
उसको एकांत से प्यार है, उसको ये नहीं है कि मैं अब पुराना जंगल छोड़कर मैं कहीं नई जगह पे चला जाऊं, एक ही जगह से मैं उब गई हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एकांत में ही जाती है। तीसरा इसका स्टैंजा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तीसरा जो स्टैंजा है कि जब उसको प्यास लगती है तो वो चढ़ी नदी, चढ़ी नदी का मतलब क्या होता है, उफनती नदी, उफनती नदी का मतलब पानी बाहर को आना नदी से, लेकिन वह उससे घबराती नहीं है, वह हिम्मत नहीं हारती है कि मुझे मैं वहां जाऊंगी तो मर जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हिम्मत लेकर वहां जाती है और उस चढ़ी नदी से अपना पानी पी के अपनी प्यास बुझाती है, क्योंकि उसे नदी से बहुत प्यार है। इस टाइप से मैंने बच्चे आपको ये पूरी पोइम समझाई थी। अब आपने नोटबुक प्रिपेयर करनी है, रजिस्टर प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर फेयर रजिस्टर प्रिपेयर करके उसके अंदर आपने डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स, सिर्फ यही 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 लिखने हैं और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट आगे जो मेरा है टॉपिक, सेकंड जो मेरी वीडियो आई थी वो ग्रामर की थी। ग्रामर में पार्ट वन भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मैं पहले आपको बुक दिखाना चाहूंगी कि ये बुक है स्पर्श रचना सागर की, क्लास 6 के लिए हिंदी व्याकरण। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के साथ साझा करते हैं। बोली क्षेत्रीय बोली है, जैसे कलोनी टू कलोनी बोली हो गई, हमारी यहाँ हम सारे यहाँ पंजाबी रहते हैं तो हमारी पंजाबी है, या आगे कोई मतलब कुछ हाई लेवल के लोग रहते हैं तो उनकी हाई लेवल की थोड़ी आ जाती है क्योंकि इंग्लिश आ गई साथ में, तो इस टाइप से उसको बोली कहा जाता है। तीसरी मैं बात करूंगी लिपि की, लिपि क्या होती है। भाषा जब हम लिखते हैं तो उनके द्वारा जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं भाषा के अंदर, जो भी चिन्ह भाषा को जब लिखा जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिपि भी अलग टाइप से होती है, हर भाषा की अलग अलग होती है, जैसे कि संस्कृत और हिंदी की कौन सी लिपि हुई, देवनागरी, और पंजाबी की कौन सी हुई, गुरमुखी, और अंग्रेजी की कौन सी हुई, रोमन, और उर्दू, उसकी उर्दू की कौन सी हुई, फारसी। इस टाइप से लिपि भी अलग अलग होती है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है। देन उसके बाद मैं बात करूंगी भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन जो तीसरा है उसको ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं किया गया है, ओनली दो के बारे में बात की गई है। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है इशारों वाली, संकेतों के द्वारा समझाना, और मुख्यतः जो दो रूप है वो है मौखिक और लिखित। मौखिक मुख से बोले जाने वाली भाषा और लिखित लिखी जाने वाली भाषा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ आपको इतना मैंने पहले बता चुकी हूँ कि भाषा के ये दो रूप ही मेन होते हैं। उसके बाद आता है इसकी बात मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है, जो अपने घर पे परिवार के अंदर रहकर हम जो सीखते हैं, माँ बोली, मातृभाषा। मातृ क्या, माँ, माँ की भाषा, माँ की गोद में बैठकर सीखी गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, राजभाषा कौन सी होती है, राजभाषा हिंदी भाषा है, क्योंकि हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो अब मैं आगे जो बात करूंगी वो है लास्ट मेरा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या है, ये भाषा को शुद्ध करता है। जब हम भाषा को लिखते हैं उसके द्वारा हमारी भाषा शुद्ध होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है। तो इसके बच्चे इसका जो बुकवर्क है इसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको चैप्टर ही समझाया था, तो सिर्फ आपने क्या करना है, जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक को आपने क्लियर कट सुनना है, बार बार वीडियो चला के सुनना है कि मैम ने क्या चीज़ बताई है, भाषा क्या कौन सी डेफिनेशन बताई है, लिपि की कौन सी डेफिनेशन है, बोली की कौन सी है, व्याकरण की कौन सी डेफिनेशन है। तो जो आपके प्रश्न उत्तर आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो आपने एक फेयर रजिस्टर लगाना है ग्रामर का स्पेशली, उसके अंदर आपने चैप्टर वन लिख के उसका टॉपिक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जो पार्ट का नाम है वो लिखते हुए नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने नोट करने हैं। लेकिन बाद में जब हमारे स्कूल खुलेंगे तब मैं आप
आपकी ये नोटबुक्स वगैरह करेक्शन हो जाएगी, बट आप बच्चे प्रिपेयर करते रहो और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करने हैं। तो आपने ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है, जैसे कि आप क्लास फिफ्थ में करते ही आ रहे हो, तो आपने उसके अंदर ब्लैक पेन के साथ प्रश्न लिखना है और ब्लू के साथ आपने आंसर देना है। और फ्लूइड का कम यूज़ करना है, बार बार सोच समझ कर आंसर लिखना है। ये नहीं है कि कुछ भी लिखते जाओ फिर काट दिया फिर फ्लूइड लगा दी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर उससे नोटबुक बहुत गंदी लगती है। तो आपने नीट एंड क्लीन नोटबुक बनानी है। तो बच्चे मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया है आप इसका बुकवर्क, लेकिन बाद में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं श्योरली इसको अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगी। और अगर इसके अंदर कोई अनुच्छेद के बारे में भी आता है तो बच्चे आपने उसको क्लियर कट अनुच्छेद लिखना है, जो भी मैं टॉपिक दूंगी उसी के अकॉर्डिंग आप वो अनुच्छेद लिखोगे। हाँ जी बच्चे, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, बार बार मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि अगर कोई क्वेरीज, अगर कोई इसके दोनों चैप्टर्स के बारे में कोई कंसर्न कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।